देखो अब देखो ध्यान से देखो, आप ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है ना। देखो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में हम पढ़ चुके थे उसके कुछ पॉस्टुलेट्स। पहले पॉस्टुलेट्स में क्या था कि अगर किसी भी एटम के सराउंडिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस एटम की या उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी, उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर। अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर एक सिंगल लोन पेयर भी पाया जाता है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड शेप हो जाएगी, उसकी शेप को हम डिस्टोर्टेड शेप कहेंगे। समझ में आ रही मेरे पास? अब मैंने कहा कि ये शेप का डिस्टोर्टेड होना क्यों होता है, तो देखो जैसे डिस्टोर्टेड का क्यों होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मेन रीजन है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी शेप का डिस्टोर्टेड होने का मतलब है कि उसका बॉन्ड लेंथ, उसके बॉन्ड एंगल के अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाने, या बॉन्ड एनर्जी के अंदर कमी आ जाने या बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा कुछ होता है ठीक है। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है, या तो बॉन्ड एंगल या फिर बॉन्ड लेंथ, इसमें क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाते हैं, समझ में आ रही, बदलाव आ जाता है इसके अंदर। और ये बदलाव की वजह से इस स्ट्रक्चर को, इनकी शेप को हम क्या कहेंगे, डिस्टोर्टेड शेप। और इस बदलाव का मेन रीजन क्या है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है वही इनका मेन रीजन होता है। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की बात करें तो लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है। और देन इसके बाद अपने पास क्या था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की बात करेंगे, और सबसे कम रिपल्सन किस में आता है, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है ठीक है। इसी रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाती है, चेंजमेंट आ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात ठीक है। ये दो पास्टुलेट्स हम पढ़ चुके थे, इसी दूसरे पास्टुलेट्स में हम बता रहे थे कि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन की वजह से जो शेप होती है वो किस प्रकार से चेंज होती है। हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके थे और हमने कहा था कि ये तीन हाइब्रिडाइजेशन में हमने लोन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऐसे कुछ केस पढ़ चुके थे, याद है कि नहीं है। हम पढ़ रहे थे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो लास्ट अपने पास, मतलब लास्ट टाइम जब हम कंप्लीट कर रहे थे उसमें अपने पास आया था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। अब इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अपने पास केस फर्स्ट ले ले कि नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर तो 5 होते ही हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 5 हो, और लोन पेयर कितने हो अपने पास, 0 हो। सिग्मा बॉन्ड 5 हो और लोन पेयर 0, ये फर्स्ट केस हो सकता है। इस केस में इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, रेगुलर शेप होगी। कैसी शेप होगी, रेगुलर शेप होगी। अब ये रेगुलर शेप कैसे बनती है, देखो सामने रेगुलर शेप कैसे बनती है कि अपने पास ऐसे एग्जांपल ले लिया हमने PCl5 का ठीक है। PCl5 के अंदर देखो क्या होता है, फॉस्फोरस और उसके साथ 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। मैं तो एक बार तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बना दूं, लुईस स्ट्रक्चर में पता चला कितने बॉन्ड आ रहे हैं इसके पास, 5 बॉन्ड। यहाँ पे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, 2s2 2p3 2p6 3s2 3p3, यानी इसके आउटर मॉर्सल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं वो वीबीटी वाला कंसेप्ट दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना, घर पे जाके ना एक बार फिर से वो वीबीटी वाले कंसेप्ट को ध्यान में रख लेना, कल अपना क्या होगा, केवल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें मैं नीट ठीक है ना और IIT और एडवांस तक के जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, जे एडवांस और नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल के तारीख में ठीक है। और मैं तुम्हें क्वेश्चन सेंड भी कर दूंगा, तुम्हें एक बार उनको देख भी लेना कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन है ठीक है। तो कल की तारीख में अपने केवल और केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास क्या है, PCl5 यानी 5 सिग्मा बॉन्ड है,
पांच सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी शेप कैसी होगी, रेगुलर शेप होगी। अब मुझे तो sp3d की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसी होती है ना, तो इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसमें एक सेंट्रल एटम होता है और इसके चारों तरफ क्या जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से सराउंडिंग में एटम जुड़े रहते हैं। PCl5 की बात करें तो PCl5 में कुछ इस प्रकार से सराउंडिंग में पांच क्लोरीन के ऊपर क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। मैंने कहा था ये कौन सा बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है, और ये कौन सा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, और टोटल 90 डिग्री कितने एंगल होते हैं यहाँ पे, 6 एंगल होते हैं। और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि जो एक्सियल होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। अब जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो कमजोर बॉन्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब मैंने कहा था कि पांच सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन में इसकी शेप रेगुलर बनेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, PCl4F। एक एग्जांपल और ले लेते हैं PCl3F2। अब मुझे तो इन दोनों की जो शेप होगी वो कैसी बनेगी, इन दोनों की ज्योमेट्री या शेप कैसी होगी। शेप और ज्योमेट्री दोनों में सेम होगी, यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों में सेम है, क्यों है, लोन पेयर नहीं है, वेरी गुड। इसमें लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या सेम है। लोन पेयर आते शेप चेंज हो जाएगी लेकिन ज्योमेट्री वही रहेगी, है ना। हाँ आज नहा रहा लग रहा हूँ क्या, ऐसा तो नहीं ना, आज तो बिना नहाए तो क्या मतलब लग रहा हूँ कि ऐसे नहा के नहीं आया सकता है दिल से। चलो तो ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। PCl5F और PCl4F, तो PCl4F और PCl3F। मैंने बेंड रूल पढ़ाया था क्या, बेंड रूल नहीं पढ़ाया। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन PCl4 और F PCl3F2। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जल्दी से देख के बता दो किसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है यार, ऐसे तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, अभी भी इतना टाइम लगेगा, 7 बॉन्ड बनाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएगा फिर, एक बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन एक बनाता है तो 4 क्लोरीन, एक एक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फॉस्फोरस का फिर sp3d, फिर FCl, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, sp3d2 कैसे होगा रे। देखो क्लोरीन कितने यहाँ पर, तीन क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन तीन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। अब क्वेश्चन में आता है कि सर ये तो हमने लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, इस लुइस डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3d, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अब क्वेश्चन तो ये बनता है कि यहाँ पर दो टाइप के एटम है, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक सराउंडिंग में दो टाइप के एटम है, एक तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले एटम है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है कि जब इनकी हम शेप बनाएंगे तो शेप कैसी बनेगी इनकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनेगी क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे मैंने लिख दिए। चलो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में पहले बॉन्ड बना लेता हूँ, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है, ठीक है। इसमें दो टाइप के बॉन्ड है, एक तो एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड है, एक कौन से अपने पास, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल है, ये कौन से एक्सियल, एक तो अपने पास एक्सियल बॉन्ड है, एक अपने पास कौन से इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ पे रखें, एक्सियल पे रखें कि इक्वेटोरियल पे रखें, या फिर किसी को कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ। देखो हमेशा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इन दिस केस उसको हम कहाँ पे रखेंगे, उसको हम एक्सियल पोजिशन पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, एक्सियल पोजिशन पे, ठीक है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको ये मान के चलो कि इसको कहाँ पे रखना है, इस एक्सियल पोजिशन पे रखना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कौन सी पोजिशन पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजिशन पे आते हैं, और इसे हम कहते हैं बेंट रूल। क्या कहते हैं? बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहते हैं? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज पोजिशन ऑलवेज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजिशन एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजिशन। कोई गड़बड़ देख के कुछ गुड़गुड़ तो नहीं हो रहा ना पेट में? समझ में आ गया पेट्रोल क्या है? ठीक है, तब इसकी स्ट्रक्चर बना लोगे तुम, फिर ऐसे बनेगी, लेकिन जो फ्लोरिन होगा वो एक्सियल पोजिशन पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दूं सर? चलो मिटा देते हैं भाई। अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस फर्स्ट क्या था? अगर अपने पास पांच के पांच क्या हो, सिग्मा बॉन्ड। केस सेकंड में हम ले लेते हैं,